या बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। देखो है ना, बिना ईंधन के बिना इंजन वाली कार है, क्यों? हाँ, बिना इंजन। और कितनी देर में ये चार्ज हो जाती है? ये मात्र 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। 2 घंटे में? हाँ। और 2 घंटे में चार्ज होने के बाद कितनी देर तक जाएगी? 100 किलोमीटर। और इसके बाद 10 रुपए खर्च कीजिए। हाँ। और 100 किलोमीटर दूर तक आराम से इस कार में बैठ के चले जाइए। बैक गियर भी लगता है? वाह, बैक गियर भी लगता है, वाह, ये इसकी खासियत है। 2 सिक्योरिटी लॉक सिस्टम लगाए हैं, एक हैंडल हो जाएगा। हाँ, हैंडल, एक मिनट, हैंडल लॉक हो गया? हाँ। बलिया के लाल ने एक बार फिर से कर दिया कमाल और बना दिया मेड इन बलिया कार। मेड इन बलिया कार आपके सामने मिनी कार दिख रही होगी, और ये कम लागत में बहुत ज्यादा मजा देने वाली ये कार है। मित्रों, जब हमें पता चला तो हम भी आ गए, और आज मैं बात करूंगा रवि रंजन से, जिन्होंने इस कार को तैयार किया है और कम खर्चे में किया है, और पूरा सुकून देती है कार वाली। रवि रंजन, स्वागत है आपका। हाँ सर, स्वागत है। मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमको देखते हैं। रवि रंजन, ये क्या बना दियो, बड़ा अद्भुत चीज है भाई। हाँ, थोड़ा सा यूनिक, मैं यूनिक बनाने का मेरा मकसद ये है कि सबसे अलग बना करके और थोड़ा सा लोगों को मतलब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मतलब क्या बोलते हैं यूनिक चीज लोगों को देना चाहते हो लोगों को। और सबसे बड़ी कि ना ये पेट्रोल से चलती है और ये ना डीजल से चलती है, और ये जो है ना बिना ईंधन के बिना इंजन वाली कार है, क्यों? हाँ, बिना इंजन, बिना प्रदूषण। हाँ। बिना कोई मतलब लागत। हाँ। मतलब लागत भी बहुत कम, कम है। स्कूटी और एक बाइक के दाम में ये मिल जाएगी, और ये भी कार रहेगी, और इसके अंदर से कोई प्रदूषण नहीं निकलेगा, ना पेट्रोल ना डीजल कुछ डालना नहीं है, और मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है। रवि, इसका बनाने का आइडिया कहाँ से आया? इसका बनाने का आइडिया जब हम फर्स्ट टाइम वो बनाए थे इलेक्ट्रिक बाइक, उसके बाद से हमारे मन में ये चल रहा था कि मतलब इस टाइम वो थोड़ा सा बैटरी का रेट बढ़ गया है, तो गाड़ियों का रेट महंगा हो जाता था। चलो, तो फिर चलते हुए बात करते हैं। तो फिर हम ये सोचे कि अगर लोग ले रहे हैं इतना महंगा गाड़ी, तो बताइए अगर 50-60 हजार 70 हजार खर्च करके लोग 2 चक्के ले रहे हैं। हाँ। और 2 चक्के पे गिरने का एक्सीडेंट का चांस बहुत ज्यादा होता है। हाँ। और तो फिर उसी ख्याल को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कर दिया जाए लोगों के लिए कि लोगों के लिए ऐसा कुछ कर दिया जाए कि मतलब कम भी पैसा कम पैसे में ज्यादा सुविधाएं मिल जाएं। रवि, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, तुम इतना अच्छा अच्छा आविष्कार करते हो, इसमें खासियत क्या है? कार की स्टेयरिंग भी लगा रखी है, एस्केलेटर भी है, ब्रेक भी है, और कैसे ये चलेगी जरा बताएं हमारे दर्शकों को। इसमें यहाँ एक हमने पैडल थ्रॉटल यूज किया है जिससे ये ऑन होके चलेगी। इसको दबाने पे चलेगा, चल रही है। और ये मैक्सिमम कितने स्पीड तक चलेगी? इसका मैक्सिमम स्पीड वही लो स्पीड में रखेंगे जो कि 30 तक होगा, जिससे कि 30-40 तक की मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट से कोई भी इसका प्रॉब्लम नहीं होगा इसको। अच्छा, और ब्रेक इसमें? ब्रेक यहाँ पे है जो कि पीछे वाले टायर में। ब्रेक पिछले। हाँ। 2 चक्का आगे और एक चक्का पीछे है। ब्रेक भी पिछले चक्के में ही लगती है, और रेस भी पिछला चक्का ही देता है। हाँ, सब कुछ पिछला चक्का ही करता है, पीछे ही मोटर लगा है, और पीछे ही ब्रेक भी है, जिससे कि कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। और ये इस 3 चक्का होने का मेन मकसद ये है कि ये कहीं भी मतलब कितना भी ऊंचा खाला एरिया हो, जैसे हमारे यहाँ है मेन रोड तो हर जगह है नहीं, कहीं ऊंचा खाला मट्टी वाला रोड है, तो यहाँ पे खास तौर से इसको बनाने का मेन मकसद यही था कि 3 चक्के में बना दिया जाए कि बैलेंस हो करके ये कितना भी ऊंच खाल हो जाए चलेगी। अभी ये कंप्लीट नहीं है, हमारे हिसाब से अभी अधूरा काम है। अभी ये शुरुआत किए हैं। हाँ। अभी तो कुछ हुआ ही बंद नहीं। बंद कीजिए, फोन बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। हाँ। बस ये शुरुआत हुआ है, इसके आगे जैसे मैं अभी मेरे आंख में कुछ पड़ गया था, तो इसी वजह से मैं रेस्ट ले लिया था, नहीं तो इसको वेल्डिंग करते हुए। मतलब ये अभी अधूरी गाड़ी है और इसे आप कंप्लीट करेंगे। पावर स्टीयरिंग है जिसे हम एक उंगली से भी नचा, देखिए देखिए, एक उंगली से पावर स्टीयरिंग है। हाँ। और इसके बाद ये घूम जाती है, और ब्रेक भी है, एस्केलेटर भी है, और ये बैटरी रखी है। हाँ, यहाँ बैटरी है। कितने बोल्ट की बैटरी है ये? 48 बोल्ट की बैटरी है। हाँ। हाँ। और कितनी देर में ये चार्ज हो जाती है? ये मात्र 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। 2 घंटे में? हाँ। और 2 घंटे में चार्ज होने के बाद कितनी देर तक जाएगी? 100 किलोमीटर कम से कम। 100 किलोमीटर 2 घंटे बैटरी चार्ज कीजिए और 100 रुपए किलोमीटर तक जाइए। हाँ, 100 किलोमीटर दूर तक। 100 किलोमीटर तक।
उससे अधिक भी मिल जाएगा हाँ। लेकिन मतलब कम से कम जो मिलेगा वो 100 किलोमीटर रहेगा, मतलब 2 घंटा चार्जिंग का पैसा जो होगा वो 10-15 रुपए होगा, 10 रुपया से भी कम होगा, और इसके बाद 10 रुपए खर्च कीजिए हाँ। और 100 रुपए 100 किलोमीटर दूर तक आराम से इस कार में बैठ के चले जाइए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। देखिए पूरी एकदम बलिया के लाल का अद्भुत आविष्कार है, और ये कार जबरदस्त कार है, आने वाले युग में इसी की डिमांड है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त है और इसमें बैक भी गियर लगता है क्या रवि? बैक भी गियर भी लगता है, वाह बैक गियर भी लगता है, वाह ये इसकी खासियत है, इसमें बैक गियर भी लग जाता है, भी लगता है हाँ, बैक गियर लगता है हाँ, देखिए बैक में अभी चल रही है आप लोग देखिएगा, और इसमें हैंडल भी लॉक हो जाता है, यानी रात में कोई चोरी ना कर पाए इसलिए लॉक हो जाएगा। इसमें 2 सिक्योरिटी लॉक सिस्टम लगाए हैं, एक हैंडल हो जाएगा हाँ, और एक मिनट हैंडल लॉक हो गया हाँ। वाह वाह, ये तो इसको चोरी से बचाएगा, कोई नहीं लेके जा सकता इसको हाँ, हैंडल लॉक है, कोई नहीं लेके जा पाएगा। और एक दूसरा ये है कि मतलब ये रिमोट वाला सिस्टम है, की से भी लॉक कर देंगे तो इसको कोई नहीं लेके जा पाएगा, थोड़ा भी ऐसे मतलब देखिए एक बार लॉक मैं कर देता हूँ, उसके बाद कोई भी इसको टच करेगा, मतलब जैसे बड़ी बड़ी कारों में आता है मल्टी लॉक होता है, आप कार को जैसे छुएंगे ची ची बोलने लग जाता है, वैसे इसको जैसे छुएंगे ये तुरंत अपना साउंड करने लग जाएगा हाँ, ध्वनि करने लग जाएगा, करने लगेगा बहुत तेज आवाज में करने लगेगा। रवि इसको बनाने में कितना खर्च आएगा? इसको बनाने में उतना ही खर्च आएगा जितना कि एक पेट्रोल बाइक की मार्केट में जो दामे हैं, आगे आइए जी, उतना ही तक इसमें खर्च आएगा, और ना ये पेट्रोल से चलेगा ना डीजल से, और ये चार्जिंग बैटरी हाँ, से ये चलेगा। चार्जिंग बैटरी से चलेगा, और अद्भुत चीज है मित्रों ये, और जब मुझे पता चला तो मैं खोजते खोजते आ गया यहाँ पर। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।